पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब देखो तो घर के सारे एक ही रट लगाए बैठते हैं, पढ़ाई कर, स्कूल में पढ़ाई, क्लास में पढ़ाई और घर में भी पढ़ाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई लिखाई होनी नहीं चाहिए। ऐसा ख्याल दिमाग में आते कहीं ना कहीं से दबा दे दीजिए, छुट्टाल बेटा पढ़ाई करने बैठ, बेटा पढ़ाई करने बैठ, सब पढ़ाई करने बैठ, तुझे एग्जाम में कम मार्क्स आते ना। आपको करके कहता हूँ, घर में दादा दादी भैया मम्मी और मैं, पापा तो ज्यादातर ऑफिस में रहती है, दादी हॉल में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है और दादा घर के बाहर टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। मैं तो बाहर जाकर खेलने का सोच भी नहीं सकता, जैसे बाहर कदम रखूं वैसे दादा चल चल अंदर पढ़ाई करने बैठ, और जैसे किचन में कदम रखूं वैसे मम्मी चल अंदर पढ़ाई करने बैठ, अरे हाँ वह छुरी पड़ी है, अरे बहू वहाँ छुरी रखने किसने कहा, अगर अचानक कोई किचन में आ जाए तो। इसे तो जरा सा भी दिमाग नहीं है, जब से शादी करके आई है तब से देख, ये मेरी दादी हमेशा किच किच करती रहती है, बहू छुरी का काम हो जाए तो उसे अपनी जगह पर रख देना, और गैस का भी काम हो जाए तो उसे भी बंद कर देना। ये मेरे दादा हमेशा समझाते रहते। अब आप ही बताओ मैं कार कैसे बैठ कर करूँ पढ़ाई, बताओ ना, ताक क्यों रहे हो।